नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पात्र केड़े केड़े ने काका, लेखक, पत्नी, शाह दा मुंडा, माता, ठीक है, या कुल्फी वाला। वैसे आप पात्र वो लिखते हैं जिन्हों का कोई डायलॉग, थोड़ा बहुत डायलॉग हो, राइट। सो ए ने इन्हों दे पात्र, ठीक है। अगर ये पात्र करवाने का एक मोटिव है कि अगर थानू एमसीक्यूज में आ जाए कि कुल्फी कहानी दे केड़े केड़े पात्र हैं, ठीक है, उदे विच एके वाला होवे तां तीन रोंग होन, तो थानू पात्रां दा पता होना चाहिए, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कुल्फी कहानी दी घटना केड़े महीने वापरदी है। अगर किसी ने नहीं लिखा होया वो लिख सकता है, ठीक है, जिन्हें लिखा होया वो भावे ना लिखो। और तारीख किन्नी है? 26 जून। 26 जून, बहुत ज्यादा गर्मी का दिन, ठीक है। नेक्स्ट, लेखक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लेखक या कहानीकार दी आर्थिक हालत के हो रही थी। कहानीकार दी आर्थिक हालत के हो रही थी, आर्थिक गरीबी वाली, ठीक है। अगर थानू ऑप्शन आ जाए के गरीबी भरी सी, बहुत चंगी सी, ठीक ठीक सी, या बिल्कुल ही माड़ी सी, ठीक है, फिर गरीबी भरी। बिल्कुल ही माड़ी या गरीबी भरी इकट्ठे नहीं आएंगे, कोई होर ऑप्शन आ सकती है, ठीक है। हाँ, इन्हों विच्चों कोई भी नहीं, ऐसा कर लो, ठीक है। सो गरीबी भरी। अगर उत्थे आज वे मंदी, फिर तुसी मंदी पिक करना है, ठीक है, डिपेंड करता है कि थोड़ा ऑप्शन कितना नहीं आन गया। क्लियर है? लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कहानीकार दी तनखा, कहानीकार दी तनखा महीने दे, कहानीकार दी तनखा महीने दे किन्ने दिनों विच खत्म हो जाती सी। पहले 15 दिन। ऑप्शन की हो सकती, पहले 15 दिन, अखीरले 15 दिन, या पहले 10 दिन, ठीक है, या पूरे महीने खत्म रहती सी। ठीक है, पहले 15 दिन, किन्ने दिनों विच खत्म हो जाती सी। उन्हें कहा ना कि पहले 15 दिनों विच मेरी जड़ी तनख्वाह सारी खत्म हो जाती सी, उस तो बाद भी ओदे कोलो कुछ भी नहीं सी बचदा, इस करके वो अपने बेटे नू कुल्फी तक भी नहीं सी लैके देना चाहता सी, ठीक है, चाहे वो 1 टके की सी, ओदे कोल एंड मोमेंट ते 1 टका भी नहीं सी बचदा, ठीक है। ये इफेक्ट भी है देखो, जेड़े हुण कई लोग इदा दे हुंदे ने जिन्हां दी आर्थिक हालत नहीं चंगी नहीं हुंदी, उन्हां दी सैलरी जदों आंदी है उन्होंने हर एक अपना बजट उदा ही फिक्स किया हुंदा है, ठीक है ना, ते उन्हां दी सैलरी जिन्नी भी हुंदी है सारी दी सारी उड जाती है, कितने कोई खर्चा देना होंगे, कभी कितने कोई खर्चा देना होंगे, तो लास्ट वाले जोड़े 10 या 12 दिन होंगे उन्होंने को कुछ भी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है, कुल्फी कहानी दे, कुल्फी कहानी दे आरंभ दी घटना, कुल्फी कहानी दे आरंभ दी घटना दिन दे केड़े समय वापरदी है। दोपहर दे समय। कुल्फी कहानी दे आरंभ दी घटना दिन दे केड़े समय वापरदी है। चांद केड़े समय वापरदी है? दोपहर दे समय। कौन उसे हरी पायो? दोपहर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया। लेखक किस चीज ते सुत्ता पिया सी? ए लिखो है नहीं लिखा तुसी? कुर्सी किस चीज ते सुत्ता पिया सी? किथे? ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ जी, हाँ हाँ जी, गुड रूहानी। साफ सुत्ते, साफ का मतलब की है? साफ का मतलब की है? ऑप्शन आ सकते हैं, जमीन उत्ते,
चादर उत्ते, साफ उत्ते या बेड उत्ते? साफ एक तरह का कह लो कि मंजा ही है, रस्सी वाला, बाण वाला मंजा सुने तुसी कदी, है ना? एक होंदा है नवार वाला मंजा, वो इन चौड़िया चौड़िया पट्टियां लगिया होंदिया, उत्थे सोना थोड़ा कंफर्टेबल है, पर एक रस्सी वाला मंजा, गोल गोल जी रस्सी होंदिया। इतने तुहाडे स्टोरी च लिखा ना कि ओदी ओ चुभ रही सन ओदी बैक ते, वो है नवा जड़ी बाण हुंदा ना, वो रस्सी जी हुंदी है, ओदी ना जड़ी चीज हुंदी है तिखा तिखा जिहा खुभदा है, ठीक है? उहनूं बोलदे सप, राइट? सो मंचे उत्ते ना लिखो, जो स्टोरी दी डिमांड है ओदे अकॉर्डिंग लिखो, सप उत्ते। क्लियर है? नेक्स्ट। ये तुसी कीता होया है, सिर्फ सुन लो। लेखक किस चीज की तंगी नु हवालात दी तंगी तो भी भैड़ी कहना है? पैसे दी, गरीबी दी नहीं लिखना, पैसे दी तंगी हवालात दी तंगी तो भी भैड़ी हुंदी है। ओके, लेखक किस चीज की तंगी नु हवालात दी तंगी तो भी भैड़ी कहना है? पैसे दी तंगी बोलता है। हो गया? ये भी किता होया है तुसी। काके ने लेखक नू जगा के की मंगया? 9 टका। टका नहीं लिखना, टका लिखना है टैंके दे नाल, ऊपर अद्धक नहीं पाना, टका। जगा के की मंगिया? टका। नेक्स्ट। अच्छा, जो तो पहला वो लेटिया हुआ सी, ता पहला मुरमरे वाला आया सीगा कि कुल्फी वाला आया सी? पहला कुल्फी वाला आया सी, फिर मुरमरे वाला आया सी, ठीक है ना? फिर उन्हें मुरमुरे की डिमांड की थी। क्वेश्चन भी है कि कुल्फी बेचने वाले मगरों केड़ी चीज विकण ली आई? मुरमुरा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहली जंग मगरों, पहली जंग मगरों, या ये भी थोड़ा पूछा जा सकता है कि कुल्फी कहानी विच केड़ी जंग की गल की गई है? पहली जंग भी, ठीक है? पहली जंग मगरों किन्ने दे छोले लए मुकदे नहीं सन? ढेले दे 10 रुपए कितने? ओ दिना विच 10 रुपए बहुत हुंदे सी, अजकल तां 10 रुपए नूं तुसी कुछ मनदे नहीं, 100 रुपए नूं नहीं अजकल कुछ मनिया जांदा, 100 रुपए छड्डो, 1000 रुपए नूं भी नहीं कुछ मनिया जांदा, है ना? तुसी मार्केट चल जाओ, किन्ना कुछ ही तुसी 1000 रुपए दा ले आओगे, है ना? नैना, तेला तेला तद्दे नाल। पहली जंग मगरों किन्ने दे छोले ले नहीं मुकदे सन? तेले दे। अगे वो पर्सन का नाम की सी? मसत्ती राम। मसत्ती राम की दुकान तो लेंदे सन, ते वो कदे भी नहीं मुकदे सके। ये तुसी लिखा होया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। लेखक दी आमदन अपने पिता दे मुकाबले किन्नी सी? घट सी। लेखक दी आमदन अपने पिता के मुकाबले किन्नी सी? घट, वध नहीं सी। उत्थे लिखा नहीं उन्होंने कि मेरी जड़ी तनखा है ओहो लेखक दी आमदन अपने पिता के मुकाबले वध लिखो ये, ठीक है?
ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੌਣ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਲੇਖਕ। ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 500-600 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ 500-600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ 5-6 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਮੁਰਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਮੁਰਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਮੁਰਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੁਰਮੁਰਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੁਰਮੁਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਮੁਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਡ। ਲੇਖਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਮੁਰਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਮੁਰਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁਰਮੁਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁਰਮੁਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ? ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁਰਮੁਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ? ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਨ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਨੈਕਸਟ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ? ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਵਾਉਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਵਾਉਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਨੀ, ਸੋਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ? ਇਸ ਲਿਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ? ਕਿਆ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਂਗਾ? ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ? ਸ਼ਾਮੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ? ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਗੁੱਡ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਂਸਰਸ ਭੇਜਣੇ ਆ।
अगर तुसी हो, वैसे काफी बच्चों के आ गए हुए हैं, आ गई हुई है थोड़ी, नहीं जफरनामा ही है, बाकी तो थोड़ी होगी पहले ही चेक हो गई हुई ना, थोड़ी पीटी वन हो गई हुई है, ठीक है। सो जिन्होंने मैंनु हाले तक भी जफरनामा एकांगी दे क्वेश्चन आंसर नहीं दिते, नहीं जरूरत ही नहीं होनी, हाँ जी हाँ जी, नहीं 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 जिन्होंने चेक करा ली हो दोबारा क्यों भेजेंगे, नहीं वो मैंनु पता है केडी केडी आई हुई है, मैंनु पता है बेटा मैं रिकॉर्ड रखा होया। क्वेश्चन, लेखक अपने, बहुत ने बच्चे हले, लेखक अपने मालक नो, लेखक अपने मालक नो तनख्वाह वधाउण लई किस डर करके नहीं सी कह सकदा। क्वेश्चंस ना लिखी जाओ, ठीक है, जो तुसी कल नू पेपर की तैयारी करोगे, कई बार ये होंदा है, वैसे चैप्टर तुसी थोरली पढ़ लो ना, थोरली ते कितों भी क्वेश्चन आ जाए तुसी कर सकते हो। जे मान लो कि चैप्टर तुसी नहीं पढ़ना तो मेरी दित्ती असाइनमेंट पढ़ लो, बहुत हेल्पफुल होएगी। कुछ कुछ क्वेश्चन में ताई तो थोड़ी कह रही, कुछ कुछ क्वेश्चन जेडे मैं भेजे हुए मैं थोड़ा नहीं लिखवा रही, उत्थे मैं थोड़ा कह दिनी तुसी ना लिखो, सिर्फ सुन लो। लिख रहे हो तुसी, मोस्टली क्लास लिख रही है, ओके। लेखक अपने मालक नू तनख्वाह वधाउण लई किस डर करके नहीं सी कहंदा किते ओदी नौकरी ना चली जाए। ओके, हले कोई नहीं बोलेगा। आर्यांश, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ओनली, सुनियो ध्यान नाल। लेखक केहड़े भयानक भविख तो डरदा, ए तुसी लिखिया होया है, इनू ना लिखियो, ठीक है, सुन लो। आर्यांश, लेखक केहड़े भयानक भविख तो डरदा अपने मालक नू तनख्वाह वधाउण लई नहीं कहंदा। भविख उहदा खतरे विच सी, उह इक वर्ड बोलदा ना, नौकरी तो ता कढ़िया नहीं, एक वर्ड बोलदा, उहनू केहड़ा भविख जिहड़ा सी, वेट वेट वेट, नहीं वो तो उहनू डर सीगा, एक उहनू किसे चीज की चिंता सी, जिन्हां नू आंदा मैनू पता है, जिन्हां नू नहीं आंदा उहनां नू पुछदी आ। साकेत, नो मेरी बारे उधर कितने जय दित्य, नहीं एक वर्ड आया सी ये विच, बोलता किसी ने, सहजप्रीत, हां जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए नहीं लिखा तुसी, ए लिखो क्वेश्चन, जदो दूजे दिन लेखक, दूजे दिन लेखक शामी घर आया ता, दूजे दिन लेखक शामी घर आया ते काके दी की प्रतिक्रिया सी, प्रतिक्रिया की सी उदी, वो सुत्ता पिया सी, दूजे दिन सुत्ता पिया सी, पहले दिन की प्रतिक्रिया सी, पहले दिन ओनु सीगा कि ओदे शायद पिता ओदे लिए कुल्फी लेके आंगे, दूजे दिन वो वेट करदा करदा सो गया, ठीक है। सो पहले दिन दी प्रतिक्रिया कुल्फी मांग रहे सी, दूजे दिन दी प्रतिक्रिया ओ सो गया सी, प्रतिक्रिया रिएक्शन, या ये भी थानू क्वेश्चन आ सकता है, इनू लिखो ना, सुन लो कि काका सुते सुते की मांग रहा सी, ठीक है, या वो एक पर्टिकुलर वर्ड बोलता है कुफी कुफी, ओदी आवाज किधर ही थी, तोतली, ठीक है,
ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਫੀ ਲਿਖੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਤਾ 3 ਰੁਪਏ ਓਕੇ ਚਾਂਦ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਲਏ ਉਹਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਲਏ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਕੁਲਫੀ ਲਈ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿਸਨੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਲੋਗਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖੋ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਹਸਮਾ ਖਾਣਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਲੋਗਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਾਕਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਬੜ ਦੀ ਪਾਟੀ ਬੱਤਖ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਕੁਲਫੀ ਖੋਣ ਲਈ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਾਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਬੁਲੀ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 3 ਸਾਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋ ਲਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਲਾਂਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਪੇੜ ਕਿਸਨੇ ਚੁੱਕੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਦਲੇਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਇਰ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੰਡ ਸਦੈਣੇ ਕਾਇਰ ਘਰ ਦੇ ਪਿਓ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੈਕਸਟ